नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। 56 साल बाद कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा है। 56 ईयर्स। 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एएमयू के दीक्षांत यानी कॉन्वोकेशन फंक्शन में शामिल होने के लिए गए थे, और अब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएमयू के शताब्दी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। 22 दिसंबर को पीएम मोदी एएमयू के 100 साल के कार्यक्रम में ऑनलाइन छात्रों को संबोधित करेंगे। जाहिर है ये मौका बड़ा है। देश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का शामिल होना फख्र की बात है, लेकिन एएमयू में कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके लिए पीएम का प्रोग्राम में शामिल होना विरोध का मुद्दा हो गया है। ये छात्र कह रहे हैं कि पीएम मोदी को काले झंडे दिखाएंगे। आरोप ये भी लग रहा है कि वाइस चांसलर ने अपने फायदे के लिए पीएम को एएमयू के कार्यक्रम में इनविटेशन भेजा। ये वही छात्र है जो यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर होने का तो समर्थन करते हैं, लेकिन पीएम के देश के मुखिया के कार्यक्रम में उन्हें आपत्ति होती है। आज हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। जो गुजरात में मुसलमानों के ऊपर कत्लेआम हुआ, मोदी के दौर में ये कत्लेआम हुआ था, उसी मोदी को जो कि आज हमारे वजीर आजम हैं, ठीक है, उनको अलीगढ़ मुस्लिम के वाइस चांसलर ने अगर यहाँ पर न्योता दिया है तो उसके खिलाफ एक एक तालिब इल्म है, सारे ओल्ड बॉयज हैं, सारे अलुमनाई अलीगढ़ मुस्लिम के इस फैसले के खिलाफ हैं। यूनिवर्सिटी का कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो सब लोग इसको वेलकम कर रहे हैं कि सेलिब्रेशन जो होते हैं यूनिवर्सिटी सेंटेनरी सेलिब्रेशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। अगर वाइस चांसलर साहब नरेंद्र मोदी जी को गवर्नर बनने के लिए या उनके सामने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए जैसे कि हमेशा चलता आया है ये कर रहे हैं, तो हम उनकी मुखालफत हम लोग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम का लगना इस बात की गवाही है कि यकीनन कुछ नया होने जा। शुरू से क्लियर करते हुए चलें तो चाहे वो गुजरात का दंगा रहा हो या फिर बाबरी मस्जिद का फैसला रहा हो या फिर ट्रिपल तलाक का कानून रहा हो या 370 वाला मामला रहा हो, कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में इस बात का दर्द रहता है कि मोदी जी मतलब एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। और दो नहीं, इनफैक्ट चार मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। नुपुर शर्मा प्रवक्ता है बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब एमपीसीआई के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सैयद हसनुल हक जो कि पूर्व छात्र नेता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बड़ा सवाल यही है आज की तारीख में, जिन्ना की तस्वीर तो आप कलेजे से लगाएंगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे जो कि इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो आप काले झंडे दिखाएंगे? कि मैं प्रधान सेवक जी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हम लोग नहीं, हम खिलाफ हैं काले कानून के खिलाफ। आज देखिए हमारे देश के जो अन्नदाता लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, हमारे भाई हैं, जो हमें रोजगार देते हैं, जो हमें रोजी रोटी देते हैं, रोटियां जो हमें देते हैं, आज वो सड़कों पे हैं। हम इस वजह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नारे से। हम विरोध कर रहे हैं मैडम, आप अपनी बात रखेंगी या मुझे बोलने देंगी या तो फिर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, कौन सा काला कानून और क्या काला है मुझे बताइए। सवाल पर मेरी बात पढ़ने पड़े आपने कानून के। मैम लियाकत जी रूपिका लियाकत जी, जरा लियाकत से आप बात करें।
ठीक है, आप मुझे मत सिखाइए, मेरी बात तो सुनिए, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अरे लियाकत से बात नहीं, आप नहीं बात कर रहे मुझसे, आप लियाकत की वजह से आप बैठी हैं, तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। हसन उल हक साहब, मैं भी पूरे सम्मान के साथ आपको सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। लियाकत जी आपका सम्मान कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, खुदा के वास्ते मैं भी सम्मान ही कर रही हूँ, पढ़ने की संस्था है, हक पर रहिए, खुदा के वास्ते है, आप नहीं बात सुने, आप देश के संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स को बात सुनने को तैयार है आप, मैडम बात सुनने को तैयार है, मैडम बात सुनने को तैयार है, रूपिका जी बात सुनने को तैयार है, मेरी आप बात सुनने को तैयार है, बात सुनने को तैयार है, तो सुने बात को आप है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज कहां युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हम विरोध कर रहे हैं इस वजह से, आप युवाओं को रोजगार दे, कहां थी जब अत्याचार हो रहा था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पे, जब योगी जी की पुलिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया पे बच्चों पे लाठियां चार्ज कर रही थी, कहां थे मोदी जी, एक ट्वीट नहीं किया था मोदी जी ने, आज बताइए 2 करोड़ युवाओं का रोजगार कहां है, हम विरोध करेंगे, ये सिर्फ जुमलों की राजनीति नहीं करने देंगे हमें, अगर हमने इससे पहले भी विरोध किया है लोगों का, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिगर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, एक मंत्री हैं, हमने सबका विरोध किया है, लेकिन शुरुआत जो भी किसानों से हुई और उसके बाद आपका गुबार निकल आया, आपको दिक्कत सिर्फ किसान के काले कानून वगैरह 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 से नहीं है, आपके मन में नफरत बैठी हुई है, मुझे मन में लगा, मुझे देश के संविधान के खिलाफ कोई भी जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर तमाम मुद्दों को एक साथ लपेटा, बेसिकली आप इंतजार, आपने तो एनआरसी सीए पे कुछ बोला, अरे एनआरसी सीए आप पढ़िए तो सही, पढ़ेंगे नहीं अड़े रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं अड़े रहेंगे। अमित शाह जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मुझे ये बताइए कितना टाइम हो गया, साल भर हो गया उस कानून को आए, कितने मुसलमानों को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंका है, मुझे बताइए आप, एक आदमी का नाम बताइए मुझे, सैयद हसन उल हक साहब, एक आदमी का नाम बताइए मुझे, मैडम आप सुनिए, आप किसको बाहर निकाल कर फेंका, कानून बन चुका है, आसान की बात कर रहे हैं आप, 19 लाख लोगों को निकाला गया, आसान ने काला कानून जब आया, वो कौन थे, देश के पूर्व राष्ट्रपति के परिवार को निकाला गया, बाहर फेंक देंगे, साल भर हो गया है कानून बनाए, मुझे एक मुसलमान का नाम बताइए जिसे बाहर फेंका और निकाला, बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ बात कर, अरे मैं यहाँ इस देश की प्रवक्ता हूँ, इधर उधर की बात मत कीजिए, मुझे ये बताइए सैयद हसन उल हक साहब, तो आपको पूरा टाइम दे रही हूँ, मैं ये टाइमर ऑन कर रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की टाइमर ऑन कर रही हूँ, मुझे नाम बताइएगा, मुझे कानून पढ़ा था और मैं जानती थी हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ ये कानून नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की माइनॉरिटी के पक्ष में ये कानून है, जिनको आप भाई भाई कहते फिरते हैं। अब सुनिए मेरी बात, एक साल हो गया सीएए का कानून बना, एक साल हो गया सैयद हसन उल हक, मुझे ये बताइए एक मुसलमान का नाम जिसे हिंदुस्तान से सरकार ने बाहर फेंका हो, मैं टाइमर सेट कर रही हूँ, नाम बताइए मुझे, एक मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, मैं 30 सेकंड देती हूँ, 30 सेकंड बताइए मुझे, 30 सेकंड में वो नाम जिसे बाहर फेंक दिया हो इस कानून बनने के। मैडम मैडम आप कोई भी क्वेश्चन, एक नाम बताइए किसी मुसलमान को सीए कानून बनने के साल भर बाद फेंका हो बाहर हिंदुस्तान के, मैं इंतजार कर रही हूँ, बताइए सिंगल मुस्लिम ने, आप क्या चाह रही हैं आप है? एक नाम बताइए जिसके लिए आपने इतना इतना आपने विरोध प्रदर्शन किया, इधर उधर की बात मत कीजिए, सीए का नाम दिया आपने, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए सीए कानून बना उसके बाद किस मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर फेंका, 12 दिसंबर को हिंदुस्तान, मुझे नाम बताइए, 15 दिसंबर को हिंदुस्तान, साल भर हो गया किस मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर फेंका, कौन सा काला कानून है ये, आप मुझे बताइए, अरे आप सीए को काला कानून कह रहे थे, नाम बताइए सैयद हसन उल हक साहब, वक्त बीत रहा है, 50 सेकंड हो चुके हैं, काला कानून का एक नाम बताइए, एक हिंदुस्तानी मुसलमान, नाम बताइए जिसे हिंदुस्तान से बाहर फेंका मोदी सरकार ने, नाम बताइए, कौन सा कानून, नाम बताइए जिसे बेघर किया मोदी सरकार ने, काला कानून का नाम बताइए, हिंदुस्तान किसान का, अरे हिंदुस्तान के मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुझे घुसपैठिए का नाम बताइए जिसे बाहर फेंका, आप बताइए, मुझे बताइए ना आप, सैयद हसन उल हक साहब सीए का जिक्र किया ना, वक्त बीत रहा है, आवाज नीचे करके बात कर रहे हैं आप, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास, सीए कानून बनने के साल भर बाद एक मुसलमान का नाम आप नहीं बता पाए, सर छोड़ दीजिए, ये देखिए 1 मिनट 32 सेकंड, 1 मिनट 32 सेकंड, एक नाम नहीं निकल पाया सैयद हसन उल हक के मुंह से कि कौन वो मुसलमान है जिसे बाहर फेंका मोदी सरकार ने सीए कानून बनने के बाद,
नौपर शर्मा के कौन लोग थे वो जो इधर उधर मत जाइए, ये सब बहुत खेल लिया, सबने खेल लिया। मुझे अभी बताइए साल भर कानून बनने के बाद मैं तो फैक्ट की बात कर रही हूँ, जुमले पर जा ही नहीं रही हूँ। नाम बताइए सैयद हसनुल हक, नाम बताइए, जुमला नहीं है, नाम बताइए एक मुसलमान का जिसे बाहर फेंका हो, बाहर निकाला हो। माध्यम से मेरे बात मत बताइए, माध्यम से मेरे नाम बताइए, मेरे माध्यम से नाम बताइए। नुपुर शर्मा, अरे मत जाइए, नुपुर शर्मा अब रुक जाइए, सब्र कीजिए। मैं कहती हूँ आपके पूरे छात्र संघ को मैसेज कर दीजिए, और आप ना कर पाए तो मुझे कहिए, मैं मैसेज कर देती हूँ कि एक नाम खोज के बता दे भाई, एक नाम खोज के बता दे सीए बनने के बाद किसी को बाहर किया हो हिंदुस्तान में। नुपुर शर्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात की है। अब रुक जाइए हसनुल हक साहब, मैसेज कीजिए ना, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं, मैसेज कीजिए, टाइम जाया मत कीजिए, मैसेज कीजिए, नाम पता कीजिए, किसी मुसलमान को दिक्कत पहुंचाइए सीए के बाद। बड़ा 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 प्रोटेस्ट किया जा रहा था। नुपुर शर्मा देखिए, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के किसी कार्यक्रम में जाए तो दिक्कत, कार्यक्रम में जाकर टोपी ना पहने तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत, और फिर उसके बाद तमाम आएंगे और कहेंगे देखो ये मुसलमानों को डराने के लिए फिर आ गए। नमस्कार रुबिका जी, आपको और आप, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे सबसे पहले रुबिका जी आपने करीबन 5-10 मिनट यहाँ लगाया, लेकिन आप नाम तो छोड़िए, आपका शुरुआती सवाल पे आपको जवाब नहीं मिला। जो मैं सुर्खियों में पढ़ रही हूँ रुबिका जी, उसमें ऐसे ऐसे मतलब छात्र नेताओं द्वारा, देखिए छात्र राजनीति से मैं भी निकली हूँ, छात्र नेताओं द्वारा ऐसी ऐसी टिप्पणियां दी गई है कि मोदी जी के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर मुसलमानों के खून का रंग और दाग है। मतलब मैं ये समझ नहीं पाई कि ये छात्र नेता अपने आप को देश के संविधान से, देश की कानून व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। ये लोग ये समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की देख रेख में जो SIT बैठी थी, जिसको कोर्ट ने अपहोल्ड किया, बाइजत बरी किया, एग्जोनरेट किया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, ये उससे ऊपर है। तो आपके ही सवाल को दोहराना चाहूंगी कि जितना, खैर मोदी जी को तो बाइजत बरी किया गया, उसमें जहाँ पे मुसलमानों के साथ हिंदुओं का भी दंगे के अंदर जिनकी मृत्यु हुई, उसमें कौन था कौन नहीं था वो कोर्ट कचहरी का काम था, मोदी जी नहीं थे, ये बात पक्की है। लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ, जिन्ना जिसने पार्टीशन किया, विभाजन किया देश का, उसकी फोटो बड़े छाती पीटते हुए लगाते हैं अपनी लाइब्रेरी में, अपने यूनियन, अपने हॉल के अंदर, उसकी फोटो हटा दी तो वही त्राही मच गई थी। दो से तीन साल, मैं जरा बोल सकती हूँ, मैं यूनियन पे तो पढ़ती हूँ, लाइब्रेरी में मैं एनएमयू की पढ़ती नहीं हूँ। रुबिका मेरे को प्लीज, रुबिका प्लीज मुझे बोलने दीजिए, इतिहास के पन्नों में है कि जिन्ना की फोटो एएमयू के कौन से कपड़े नंबर पे लिखी थी, ये क्या बेवकूफी की बात है। मैंने इतना इतिहास जरूर पढ़ा है रुबिका, मैं ऊपर नहीं बोलूंगी, आप इनको बोल लेती, आई एम सॉरी रुबिका, आई विल नॉट डिबेट लाइक दिस, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, नहीं तो मैं कहूंगी इनका वर्बल आतंकवाद शुरू हो गया है, अगर ये मुझे मेरी बात कंप्लीट करने का मौका नहीं देंगे। इनके ऊपर कोई नहीं बोला था, नहीं एक सेकंड नहीं, मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा रहे। हसन उल हक साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे थे कि आपको वो जगह क्यों नहीं मालूम है जहां पर वो तस्वीर लगाई गई है, दैट्स इट। मुझे पता है, एक तो मेरे सामने पड़ा हुआ है कि लाइब्रेरी में लगाई थी, एक मेरे सामने जहां पे अंसारी साहब जाके बोलने वाले थे उस हॉल के अंदर लगाई हुई थी, जो अपेरेंटली सफाई करने के लिए उतारी गई थी। लेकिन मेरा सवाल कुछ और, मेरा सवाल हसन साहब, मेरा सवाल एक बार बात पूरी करने लीजिए, रुक जाइए। हाँ, आप कमरा नंबर गिनिए, नाम ढूंढिए, तब तक मेरी बात और मेरा सवाल सुनिए। जिन्ना के ऊपर 2 से 20 लाख खूनों का विभाजन के अंदर जो हुए थे, देश के विभाजन के चलते 2 से 20 लाख खून और मृत्यु का उसके ऊपर इल्जाम है। अब बताइए उसके ऊपर कौन सा दाग है और उनकी तस्वीर क्यों आपने सराह रखी है। और दूसरा सवाल रुबिका, इससे मुझे आपकी याद आई, इनको यही नहीं पता कि सीए कानून क्या है और कहने लगे कि भैया मुसलमान देश से निकाले। भाई साहब, सीए नागरिकता देने का कानून है, ना किसी को देश से निकालने का, ना ही किसी की नागरिकता छीनने का कानून है। कृपया करके सीए का फुल फॉर्म क्या है जरा इतना ही बता दीजिए, मुझे बताइए जरा क्या है सीए का फुल फॉर्म, बताइए। मैडम आप पकड़ी, किससे बात कर रही है पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आप हमसे बात करेंगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आप बेवकूफ समझ रही हैं।
क्या लिखा है? कितने लोगों को कह रहे कानून में? कितने लोगों को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं आप? कितने लोगों को? तीन मुल्कों के लोगों को नागरिकता देने की बात की जाती है। आप मेरी बात को सुनिए मैडम। तीन मुल्कों के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता देने की बात की जा रही है यहाँ। हिंदुस्तान से सात मुल्क है, नेपाल के लोग जो है, नेपाल के हमारी बेटी बहने जो हमारी बेटी रोटी का रास्ता चलता है, मुसलमानों के साथ गोरा रवैया है, उसके चलते हम लोग काले झंडे दिखाएंगे। अब आपको याद आ गए सातों मुल्क हिंदुस्तान के आसपास के? नहीं, तस्लीम रहमानी साहब, हसनुल हक साहब, प्लीज डोंट डू दिस। आप मान लीजिए ना कि आपके अंदर एक नफरत पनप रही है, उस नफरत को आप दूर नहीं होने देना चाहते हैं। मान लीजिए कि मोदी नाम आते ही आपको आग लग जाती है, आपके बदन में खून जो है आग की तरह दौड़ने लगता है। बता दीजिए, बोल दीजिए, क्यों छुपा रहे हैं सैयद हसनुल हक साहब, तस्लीम रहमानी साहब? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, तो फिर आप मुझे बताइए कि जब देश के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ एएमयू आ रहे हैं, एंड यू अंडरस्टैंड, आप तो छात्र रहे हैं ना सैयद भाई, आप तो छात्र रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, आपको पता है ना कि यूनिवर्सिटी में, इस देश में 50 ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। 54 साल बाद कोई प्रधानमंत्री, इनफैक्ट 56 ईयर्स लेटर एक प्रधानमंत्री वहाँ उस कार्यक्रम में जा रहा है, और आप कह रहे हैं हम काले झंडे दिखाएंगे। अरे कितना इमेच्योरिश है ये बिहेवियर। तस्लीम रहमानी साहब, हसन साहब, रुकिए मैं आऊंगी, हसन साहब, हसन साहब, आप और मैं इत्मीनान से बात करेंगे, इत्मीनान से बात करेंगे, और मैं इस डिबेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिबेट की बात नहीं, डिबेट के बाद भी बात करेंगे, यकीन मानिए तस्लीम रहमानी साहब। बिल्कुल बात करेंगे मैडम। हाँ ठीक है, ठीक है, रुकिए तस्लीम रहमानी साहब। सर आप सवाल कर लीजिए जो आपको करना है। हर बार डॉक्टर रहमानी, मुझे एक ही बात से समस्या है, ये डर क्यों बिठाया जा रहा है हर बार? मोदी के नाम का डर कब तक लेकर मुसलमान जीता रहेगा? देखिए रूबिका, 16 मिनट हो गए इस डिबेट को, अब तक हम लोग शायद टॉपिक पे भी नहीं आ पाए हैं करीने से। मैं थोड़ा सा बाजू पर ही रहना चाहूंगा चीख पुकार से बच के। ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम हैं इस मुल्क के, और इस हैसियत से वजीर आजम का हक है कि वो मुल्क के हर एक इदारे में, तालीमी गैर तालीमी जो भी हो, ये प्राइम मिनिस्टर का हक है। और अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं जाने से रुकते हैं खुद से, तो मुतालबा करके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाना चाहिए, ये उनका राइट है। ऐसे में ये जो मुखालफतें इससे पहले जामिया में भी हुई थी, वहाँ पे भी हुई थी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा स्टेप है कि मुखालफत करके हम नेगेटिव मैसेजिंग करें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं जाते हैं या मन की बात करते हैं, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की बात नहीं सुनते। अगर वो एक इंटरैक्टिव सेशन करें और वहाँ पर बैठ के स्टूडेंट्स के, टीचर्स की कम्युनिटी के ऑब्जेक्शंस भी एंटरटेन करें, तो ये बहुत अच्छा मैसेज होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी कहेंगे और चले आएंगे, जैसा हर जगह होता है। ये शिकायत इस मुल्क के मीडिया को भी है और सिविल सोसाइटी को भी है और तमाम लोगों को भी है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी कहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। एक बात, दूसरी बात, ये साहब जो यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए हैं यहाँ, मैं इनसे अर्ज करना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ, ये छोटे हैं मुझसे, जूनियर हैं वहाँ के, मैं तो अलीगढ़ में नहीं पढ़ा हूँ। वहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत सारी जो सोसाइटीज है उनमें एक डिबेटिंग सोसाइटी है, वहाँ सिखाया जाता है डिबेट कैसे की जाती है, वाद विवाद कैसे किया जाता है। मुझे बहुत अफसोस है कि जो यहाँ यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो वाद विवाद के उन उसूलों से जो यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है उनसे कोई वाकफियत नहीं रखते। इनको लफ्ज़ लियाकत के सही से मानी के इनको पता नहीं, इन्होंने जिस तरह आपका नाम लेके कहा वो मानी रेलिवेंट नहीं है यहाँ। तो बराए करम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माजी जो किरदार, वो आज भी मुल्क के प्रीमियर, आज भी एएमयू है, आज भी एएमयू है, सीनियर है, वो स्कॉलर है, तो और जब वो आपको कुछ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि और लियाकत के जो मर्यादाएं हैं अलीगढ़ की, जो मर्यादाएं हैं
अलीगढ़ की जो मर्यादाएं हैं, उसका जो वकार है, उस वकार को मलहूज रखते हुए गुफ्तगू करनी चाहिए। हमको इख्तलाफ है वजीर आजम से, शदीद तरीन इख्तलाफ मुझे जाती तौर पर है, मैं रोजाना बोलता हूँ, और वो आइडियोलॉजिकल नजरियाती इख्तलाफ है, वो रहेगा, लेकिन इसके बावजूद हमको अकोमोडेट करना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए आप हसन भाई, नहीं नहीं मसला वो नहीं है, छोड़ के नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ एएमयू में उनको जाना, एएमयू हम संविधानवादी लोग हैं, एएमयू हो या जामिया हो, अभी वो जेएनयू में भी गए थे, जेएनयू की मुखालफत बीजेपी करती रही है, आरएसएस करता रहा है, इसके बावजूद वो जेएनयू में उन्होंने इसी तरीके से तकरीर की, तो अगर वो जेएनयू में कर सकते हैं तो एएमयू में क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वजीर आजम अगर वहां जा रहे हैं तो वहां के स्टूडेंट एंड वहां की कम्युनिटी को भी सुने, उनके सवाल सुने और उनके जवाब दें। ओके प्रोफेसर रागी, देखिए रूबिका जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन संघ जो है कभी भी किसी भी जेएनयू के छात्रों के खिलाफ नहीं है, जेएनयू के कुछ छात्रों के खिलाफ है। दूसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये 1920 में जरूर यूनिवर्सिटी के तौर पर आया, लेकिन 1951 के बाद ये पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी है, इसलिए मुझे आज भी इस पर एतराज होता है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। तीसरी बात, हम ये भी कहना नहीं भूलेंगे कि पार्टीशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो भारत विभाजन का केंद्र रहा था, भारत में जो अलगाववाद की मानसिकता रही थी वो उस देवबंद की मानसिकता जो है, देवबंद की और अलगाववाद की दोनों की मानसिकता का ये केंद्र रहा था, और जहर घोलने का काम उसने किया था। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि यदि ये सारी चीजें हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश पर तो, इस देश के मुसलमानों पर तो इस देश को तोड़ने का अपराध है, आपको ऐसे मुसलमानों को ये देश बर्दाश्त कैसे कर रहा है। यदि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र संगठन का व्यक्ति यह बोलता है तो उसके बारे में मेरा ये है, कंटेंशन है कि इस देश को, इस देश को तोड़ने का पाप इस देश के मुसलमानों ने किया। जितना आपका है उतना ही मुसलमानों का भी है, तो आप ये ज्ञान तो यहाँ बैठ के नहीं दे सकते मुसलमानों को। मुसलमानों ने पूरे फक्र के साथ, जितना फक्र के साथ आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, उतना फक्र के साथ हम भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और उतना ही फक्र के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो आप ये मत कीजिए कि झेल रहे हैं, हर दुख हम साथ झेल रहे हैं। तो आज इस बात पर हुंकार और हुंकार में बहस हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएमयू में मेहमान, तो फिर छात्र क्यों परेशान। और बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ नुपुर शर्मा इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेसर संगीत रागी अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, सैयद हसनुल हक साहब जो कि पूर्व छात्र नेता एएमयू के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। हो सकता है वो सीए में कौन से मुसलमान को बाहर किया है पता लगाने के लिए गए हों, मैं इंतजार कर रही हूँ। तस्लीम रहमानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से संगीत रागी ने जो ब्रेक से पहले बात की थी उसका जवाब देना चाह रहे हैं जी। एक छोटी सी टिप्पणी रूबिका जी, मैं एक छोटी टिप्पणी कर लूं। रागी जी ने फरमाया, रागी जी ने जो फरमाया और एसएम साहब ने फरमाया, मैं गालिब का शेर पढ़ना चाहता हूं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है। आपने पूरा इल्जाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर भी लगा दिया, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लगा दिया, मुल्क को तोड़ने का आपने कोई तर्क नहीं दिया, सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस देते हुए आप चले गए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए? आपके पास क्या रेफरेंसेस है जिससे आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी तकसीम की जिम्मेदार है, मुल्क की तकसीम की जिम्मेदार है? इतना बड़ा इल्जाम एक मुल्क की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के ऊपर आप लगा रहे हैं। दूसरे आप कह रहे हैं कि 1920 में भी एक एक्ट के तहत ही यूनिवर्सिटी बनी थी, जिसे हमने अडॉप्ट किया था 1951 में एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जिसको 1971 में जिसका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खत्म किया गया। रागी जी आप पूरा पढ़ा कीजिए, आप पढ़ने वाले आदमी, मैं जानता हूं आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पूरा पढ़ा कीजिए ज्ञान और पूरा दिया कीजिए ज्ञान। यहां इस तरह पार्शल होके मुल्क को तोड़ने वाली बात कम से कम आप आज 2020 में मत कीजिए, ये ठीक नहीं है मुल्क के लिए। रागी साहब, रूबिका जी, मैं तस्लीम भाई को बताना चाहता हूं कि
श्रीमती गांधी ने 1981 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी के तौर पे दर्जा दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 1966 में भी गया था। उन चीजों पे मैं जिक्र नहीं करना चाहता। जब प्रधानमंत्री के वहां पर सुन लीजिए प्लीज, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मैंने सुना आपको। जब प्रधानमंत्री के वहां जाने पर इल्जाम लगा करके हस्तक्षेप किया गया, तो मैं तो बार बार यही कहता हूं कि 23% मुसलमानों ने अपने लिए 35% जमीन ली इस्लाम के नाम पर, और आज भी बचे हुए भारत में 1947 में मुसलमान 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 माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान। और ये ऐसा हो गया है कि पूरे यदि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में सरदार पटेल ने बहुत अच्छा कहा था कि बहुत हो गया, यदि आपको लगता है कि ये देश अच्छा नहीं, तो उन्होंने वर्ड यूज किया था, यू कैनॉट राइड टू हॉर्सेस, आप दो घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते हैं, आप यहां से चले जाइए। यदि आपको लगता है कि पाकिस्तान ही बेहतर था, आपके लिए तो एक मुल्क मिल गया था। और ये मत भूलिए कि 1946 में देश के मुसलमान, चाहे वो यहां के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे ये उत्तर प्रदेश के हों, 90% से ज्यादा मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था। एएमयू की डिबेट एएमयू पाकिस्तान विभाजन का केंद्र था। अरे भाई ये तो एएमयू पाकिस्तान विभाजन का केंद्र था। प्लीज एएमयू अलगाववाद का केंद्र करने का हक किनको था? आप सारे मुसलमानों को इस बात में मत लपेटिए। रागी साहब मुझे ये बताइए, किनको वोट करने का हक था पाकिस्तान के हक में? क्या उस गरीब मुसलमान को हक था? सिर्फ जमींदार क्लास को हक था? क्या चीज़? क्या सारे मुसलमानों को वोट करने का हक था? किसको हक था वोट करने का? सारे मुसलमानों ने क्यों नहीं कह दिया था कि हम नहीं करते हैं? सारे मुसलमान आकर के कहा, क्यों नहीं कह दिए थे कि हमें नहीं पाकिस्तान चाहिए? कहा था तभी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने क्या जबरदस्ती पकड़ लिया था हमको? नहीं, जबरदस्ती पकड़ लिया था आपने हमको? अरे मेरे बाप दादाओं ने फख्र से कहा कि जमीन पर रहेंगे। तस्लीम रहमानी के माँ बाप ने फख्र से कहा कि जमीन पर रहेंगे। यहाँ बैठे सैयद हसनुल हक, चाहे कितना भी वो मोदी के विरोध में नारेबाजी कर ले, अपने मन में ये शख्स भी अच्छे से जान है कि बाप दादाओं ने फख्र से कहा कि वो जमीन पर रहेंगे। जमींदार आते थे इसीलिए, जमींदार आते थे इसीलिए, जमींदार आते थे करते हैं इसीलिए सीए की। अरे नेहरू इसीलिए सीए की नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी है, आपकी मानसिकता ये है। आप विभाजन से पहले की मानसिकता है। ग्वालकर को खारिज किया था 1949 में। पंडित नेहरू गए थे, आप डिबेटिंग सोसाइटी की बात कर रहे थे ना। 1949 में नेहरू गए थे, उन्होंने प्रश्न पूछा था अलीगढ़ के मुसलमानों से, अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से। नेहरू ने प्रश्न, नेहरू जी ने प्रश्न किया था, हमने क्या बाबर से पहले का इतिहास को अपना इतिहास मानते हैं क्या? हमने खारिज किया था क्या? भारत की पुरानी संस्कृति को यहाँ का मुसलमान अपनी संस्कृति का हिस्सा मानता है क्या? आज तक नहीं मानता है। आप कीजिए ना, आपको जितनी नफरत करनी है, कुल मिलाकर ये हो जाएगा कि आप में और हसनुल हक में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम नफरत की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मुस्लिम मानसिकता। आपको नफरत है हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो कहिए, आई चैलेंज यू राइट अवे कि कहिए, संगीत रागी कहिए ना कि हाँ मुझे देश के मुसलमानों से नफरत है। इधर उधर शब्दों में क्यों आप छुपाते फिरते हैं? कह दीजिए, मुझे नफरत, मुझे मुसलमानों से बिल्कुल नफरत नहीं है। अच्छा। लेकिन मुझे इस्लामिक मानसिकता का परिचय मुझे है। इस्लामिक मानसिकता का इतिहास मैंने पढ़ा है। दुनिया में क्या कारण है कि जैसे हसनुल हक के साथ बातचीत करूंगी, वैसे आपके साथ भी कर लूंगी। नुपुर शर्मा, आप इस पूरे के पूरे मामले को ट्रैक से हटाने की कोशिश मत कीजिए। आपका भी उतना ही, फिर आपकी भाषा का प्रयोग उतना ही योगदान साबित होगा, उतना ही उसका योगदान होगा जितना बाकियों का, यहाँ पर खासकर सैयद हसनुल हक जैसों का हो रहा है। नुपुर शर्मा मुझे ये बताइए, आप अग्री करती हैं जो भी बात संगीत रागी यहाँ पर कह रहे हैं? नुपुर शर्मा,
यू आर नोन टू बी स्पीकिंग. एक सेकंड रुकिए रागी साहब, मुझे नूपुर शर्मा से बात करनी है. नूपुर शर्मा, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ. सबसे पहले मैं रहमानी साहब की बात का जवाब दूंगी. रहमानी साहब, आपने बहुत आराम से ये तो कह दिया कि जाके उनकी बात सुनिए, बातचीत करिए, लेकिन जो चीज मुझे बोले दीजिए. सॉरी रूबिका, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही हूँ. सही लगता, बात सुन लीजिए ना, फिर मैं आपको 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 जाने से पहले पूरा मौका दूंगी. रुक जाइए. अरे आजाद भारत का तो आपने क्या किया? आजाद भारत के लिए क्या किया आपने? आजाद भारत के लिए अभी प्रधानमंत्री आएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, ये किया आपने आजाद भारत के लिए? मैं बोल सकती हूँ, आपने ऐसे कम्युनिटी क्या दिया हिंदुस्तान को? अभी मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए ना, आप अलावा विक्टिम कार्ड खेलने के आपने क्या किया बताइए मुझे. यू हैव टू पुट इट फेयर डाउन रूबिका. ना तो मैं सुन पा रही हूँ ना मैं बोल पा रही हूँ. आई एम सॉरी. देखिए मैं सबसे पहले रहमानी साहब की बात का जवाब देना चाहूंगी. रहमानी साहब, आपने बहुत आसानी से ये तो कह दिया कि आप जाके उनकी बातें सुनिए. काला झंडा दिखाना एक तरीके से संवैधानिक तौर तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री चुन के आए हैं, आप कहते हैं अगर प्रधानमंत्री लोगों की बात नहीं सुन रहे होते ना तो वो लोग वोट करके उनको हर बारी ज्यादा से ज्यादा सीटों से जितवा के संसद के अंदर भेजते भी. ये आप भी जानते हैं, इट इज एन ओपन मैंडेट क्लियर डायरेक्ट इलेक्शन होता है भाई साहब. इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र के अंदर चुनाव चुन के संसद के अंदर बैठने का और सरकार चलाने का. दूसरी बात रहमानी साहब, मैं आगे ये बोलना चाहूंगी. देखिए रूबिका, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि एएमयू कट्टरवाद और विभाजनकारी एक मानसिकता का गढ़ जरूर बना है. ये चीज मैं लिमिटेड पॉइंट पे इससे रहना चाहती हूँ क्योंकि हमेशा आपने देखा, चाहे वो मनन वानी हो जो कभी एक पीएचडी स्कॉलर होता था एएमयू से, जब उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करी और जब वो ढेर हुआ पुलिस की गोलियों से, तो वहां पे शोक सभा बनी एएमयू के अंदर. अब एएमयू आज ये बता दे, क्या आप कट्टरवाद और आतंकवाद के साथ है इससे शोक सभा बना रहे और आप देश प्रधानमंत्री को काले 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 रहा है? सैयद हसनुल हक साहब, नूपुर जी एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है इसीलिए. सैयद हसनुल हक, और आज आज इस तरीके के आरोप इस यूनिवर्सिटी पर लगते हैं, आपको दुख नहीं होता है? नवंबर 2018 में बिना जम्मू कश्मीर के, सैयद हसनुल हक, चूंकि वादा है, मैं आखिरी 20 सेकंड देना चाहती हूँ आपको. जी मैडम, जी जी बताएं आप. मैं कह रही हूँ आपको दुख नहीं होता है? इतनी शानदार यूनिवर्सिटी और चर्चा में आती है इन चीजों के लिए कि आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लिया, उसके मर उसके गिरफ्तार और मर जाने पर शोक सभा की गई, जिन्ना की फोटो लगाई गई, मोदी के पहुंचने पर या उनके वर्बल बातचीत रखने पर काले झंडे दिखाए जाएंगे, इसके लिए यूनिवर्सिटी का आज उसकी चर्चा होगी? दुख नहीं होता? तिरंगा यात्रा जिन्ना इतिहास है ना कि हमारी आस्था. सबसे पहली बात बताऊं, जिन्ना इतिहास है ना कि हमारी आस्था, ना जिन्ना परिवार मुस्लिम मोदी प्रेजेंट है ना कि आस्था, ना मानेंगे मोदी प्रेजेंट है ना कि आस्था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम है, वो इस वक्त प्रधानमंत्री है. जिन्ना इतिहास और प्रेजेंट कौन याद रखेगा? कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून की कॉपी सदन में फाड़ दी. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में कानून को वापस लेने के लिए नारेबाजी की. कल फिर दिल्ली विधानसभा का सेशन बुलाया गया. बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है. टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. जितेंद्र तिवारी ने इससे पहले आसनसोल के मेयर पद से इस्तीफा दिया. जितेंद्र तिवारी टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी के करीबी बताए जाते हैं. अमित शाह का दौरा इस बार बहुत से बागियों को अपने पाले में लेने के लिए भी हो सकता है. दो दिन के दौरे पर इसी महीने 20 तारीख को आपको अमित शाह वहां पश्चिम बंगाल की जमीन पर दिखाई देंगे और ये तीन बागी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं. शुभेंदु और शुभेंदु के बाद उनके करीबी जितेंद्र तिवारी, सुनील मंडल भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं. अब इन तीनों के बाद ममता दीदी के किले में आप पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि छेद किया गया है.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।